या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ग्रीन टीवी के नवरात्र विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्मिथा सिंह और आज हम बात करेंगे माँ के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा के बारे में। और माँ के स्वरूप पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं पंडित अमित पांडे जी, जो कि ज्योतिषी हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। जी धन्यवाद आपका। जी तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं माँ चंद्रघंटा के बारे में कि माँ ने स्वरूप कब धारण किया, कैसा स्वरूप है माँ का, कब माँ के स्वरूप की उत्पत्ति हुई। पंडित जी, मेरा पहला सवाल यही कि माँ के स्वरूप को चंद्रघंटा क्यों कहा जाता है? देखिए, माता चंद्रघंटा मतलब ऐसी माता जिन्होंने अपने हाथ में घंटा लिया हुआ है। और घंटे में कौन है? उनके घंटे में चंद्रमा का वास है। मतलब वो माता जिनके घंटे में स्वयं चंद्रदेव विराजमान है, वो माता कौन है? वो माता चंद्रघंटा है। जैसा कि हमारा शास्त्र भी कहता है, पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपाश्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटे तिविश्रुता। मतलब जिनके घंटा में चंद्रमा है वही माता चंद्रघंटा है। माँ का ये स्वरूप देखने में कैसा है? माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम है चंद्रघंटा। नवरात्रि के उपासना में तीसरे दिन की इन्हीं देवी के विग्रह की पूजन आराधना किया जाता है। इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक है, कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा भी कहा जाता है। मतलब एक कारण यह भी है, इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला, इनके 10 हाथ और इनके 10ों हाथों में खड्ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र भी भूषित हैं। इनका वाहन सिंह है, इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने के है। इनके घंटे किसी भयानक चंडक ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं, भयभीत रहते हैं। आपने माँ का स्वरूप बताया, माँ ने ये स्वरूप धारण कब किया? माँ का जो तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा जिसे कहा जाता है, माँ ने ये धारण कब किया था स्वरूप? जी स्मिता जी, आपने प्रश्न बिल्कुल सही किया कि जब कोई सृष्टि में अलौकिक घटना घटती है लोक कल्याण के लिए, तो किसी न किसी शक्ति का, किसी न किसी दैवी घटना का प्रादुर्भाव होता है। इस सृष्टि में सदैव से नियम रहा है। माता चंद्रघंटा के बारे में इतना समझ लीजिए कि शत्रुओं के लिए, बुरे लोगों के लिए, मन में भय उत्पन्न करने के लिए, प्रकंपन उत्पन्न करने के लिए घंटे की आवाज़ की थी माता चंद्रघंटा ने। क्योंकि देखिए, हमारा शास्त्र कहता है कि आगमनार्थे तू देवता नाम, गमनार्थे तू राक्षसा नाम। मतलब घंटे का वादन कब किया जाता है? देवताओं को बुलाने के लिए। हम आप जब घर में पूजा करते हैं, दैनिक पूजन, तो हम घंटी बजाते हैं। क्यों बजाते हैं? हे प्रभु, हे मेरे इष्ट, हे मेरे आराध्य, आप आइए। लेकिन जब राक्षसों को बात आती है तो राक्षस घंटा कब बजाते हैं? जब वो जाने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं राक्षसों को भगाने के लिए, दुष्टों को भगाने के लिए, बुरु शक्तियों के नाश करने के लिए जब माँ ने घंटा की ध्वनि की, तो घंटा की ध्वनि करने से ये माँ चंद्रघंटा कहलाई। और इन्हीं चंद्रघंटा ने युद्ध की शुरुआत में राक्षसों को नाश करने के लिए घंटा की ध्वनि की थी, जब माता ने महिषासुर रक्त बीज चंडमुंड तमाम राक्षसों से युद्ध किया था। माँ के स्वरूप की पूजा तीसरे दिन की जाती है जी। पूजा की कोई विशेष विधि होती है? देखिए, पूजा की विशेष विधि में फिर मैं आपसे कहूँ कि दुर्गा की जो 9 शक्तियाँ हैं, शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक, चाहे महागौरी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, ये समस्त शक्तियाँ समान रूप से एक ही हैं। केवल नाम अलग हैं, विभेद अलग हैं, बस कोई बहुत फर्क नहीं। सब दुर्गा की ही शक्तियाँ, दुर्गा की ही अंश हैं। तो सामान्य पूजन का नियम वही है, थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ वैशिष्ट्य है सभी देवियों में। एक स्पेशल अपना जो है अधिकार क्षेत्र है, एक स्पेशल उनका प्रयोग है, क्रिया है, जिसकी वजह से उनमें विविधता आई, उनको अलग स्वरूप धारण करना पड़ा। जैसे घंटा की ध्वनि करने के कारण माँ चंद्रघंटा हो गई, ठीक है। तप करने के कारण माँ ब्रह्मचारिणी हो गई, ठीक है। जब गिरिराज के यहाँ उत्पन्न हुई माँ, तो शैलपुत्री हो गई। इसी तरह से घटना विशेष के साथ उनका नाम जुड़ता चला गया, रूप बदलते चले गए। लेकिन जो मूल बात यहाँ समझने वाली ये है कि माता की जो मूल शक्ति है, परब्रह्म जो जगत जननी जगदम्बा की है, वो एक ही है, माँ दुर्गा ही हैं, शक्ति ही हैं।
अब तो जो सामान्य नियम शक्ति की उपासना में होती है, जो हमारे दर्शक शक्ति की उपासना में जो नियम का पालन करते हैं उसी नियम का पालन करना है, उसी नियम का पालन करते हुए माता चंद्रघंटा की पूजा आराधना करनी है। कोई विशेष समय इनकी पूजा के लिए? इनकी विशेष पूजन का जो समय है, देखिए अब एक बात बताऊं कि प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, तो चंद्रघंटा तीसरी शक्ति है, तो समय में भी आप तीसरे प्रहर में आ जाइए। मतलब नौ शक्तियों को लगभग लगभग जो है ढाई ढाई घंटे आप अगर विभाजित करोगे तो कहीं ना कहीं दोपहर सुबह 9 बजे से लेकर 11:30 बजे की जो वेला आएगी वो माता चंद्रघंटा के पूजन की आएगी। तो माता की पूजा चंद्रघंटा की सुबह 9 बजे से लेकर दिन में 11:30 बजे के बीच में करें। अपने दर्शकों को बता दूँ बड़ी अच्छी बात होती है कि इसी समय वृषभ लग्न उदय होती है अंतरिक्ष में। अब वृषभ लग्न स्थिर लग्न होती है, शुक्र की लग्न है और शुक्र की शक्ति देवियाँ होती है, इसलिए चंद्रघंटा की पूजा अब वृषभ लग्न में करें। लमसम 9 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में निश्चित रूप से अपार सुख अपार वैभव देने वाली सिद्ध होंगी माता चंद्रघंटा जी। तो फिलहाल यहाँ कार्यक्रम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कि माँ चंद्रघंटा को क्या आप अर्पित कर सकते हैं, क्या प्राप्ति होती है, किस विशेष फल की प्राप्ति होती है माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना से। साथ ही आपको बताएंगे कि राशि अनुसार आप माँ को क्या अर्पित कर सकते हैं। बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ। के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नवरात्र विशेष में, जिसमें हम बात कर रहे हैं माँ चंद्रघंटा के बारे में। नवरात्र के तीसरे दिन माँ के स्वरूप की पूजा होती है, लेकिन माँ के स्वरूप के पूजन से किस विशेष फल की प्राप्ति होती है ये भी जान लेते हैं। पंडित जी, माँ का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा है, इनके पूजन से, इनकी आराधना से किस विशेष फल की प्राप्ति भक्तों को होती है? जी देखिए, नवरात्र के व्रत के समय जो तीसरा दिन होता है, यह तीसरे दिन की पूजा माता चंद्रघंटा की जो हम चर्चा कर रहे हैं, और इस पूजन का बहुत अत्यधिक महत्व है। क्यों? क्योंकि इस दिन जो साधक होता है, जो भक्त होता है, उसका मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट कर जाता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ भी सुनाई देने लग जाती है। मणिपुर चक्र नाभि पे होता है और यह क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के लिए हो जाता है। मतलब यदि कुछ मिलने लगे तो आप सावधान हो जाइए, फलंत वृक्षा नमंत वृक्षा, यदि फल लग जाए तो झुक जाओ। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनिष्ट हो जाती हैं। उनकी आराधना सद्य ही फलदायी है, तत्काल फल देने वाली है। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने की होती है, अतः भक्तों के कष्ट का निवारण ये अत्यंत शीघ्रता से कर देती हैं। इनका वाहन सिंह है, अतः इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। मतलब इनका भक्त कभी डरना नहीं है, किसी भी चीज़ से उसे भय नहीं रहता, वह अभय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की भूत प्रेत बाधा जिस तरह का भी कष्ट हो उनसे रक्षा करता है। इनका ध्यान करने से शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है, बजने लगती है घंटे की ध्वनि, दुष्टों का दमन हो जाता है, विनाश हो जाता है और भक्त की रक्षा होती है। आराधक के लिए सदैव सौम्यता शांति और अपने मन में शांति रखना आवश्यक होता है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत बड़ा सद्गुण यह भी है कि साधकों में वीरता निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का भी विकास होता है। उसके मुख नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि हो जाती है, स्वर में दिव्यता आ जाती है, अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं लोग उन्हें देख के शांति और सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे साधक के शरीर से दिव्य प्रकाशयुक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता रहता है, मतलब दिव्य तेज आभा चमकती रहती है। यह दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से तो दिखलाई नहीं देती है, किंतु साधक
और उसके संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भली भांति करने लगते हैं। हमें चाहिए कि अपने मन वचन कर्म एवं काया को विहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके माता चंद्रघंटा के शरणागत होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रहों का ध्यान रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होना चाहिए, उसके लिए सदैव प्रयत्न करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सदगति को देने वाला होता है। आपने भी बताया कि मणिपुर चक्र मजबूत होता है माँ के आराधना से, माँ का ध्यान करने से। अगर किसी व्यक्ति का मणिपुर चक्र कमजोर है तो क्या कैसे पता चलता है कि मणिपुर चक्र उसका कमजोर है, उसे माँ चंद्रघंटा के आशीर्वाद की आवश्यकता है? देखिए, मणिपुर चक्र कमजोर है या सही से एक्टिवेट नहीं है, इसके कुछ लक्षण हम बता देते हैं। मान लीजिए मणिपुर चक्र का स्थान कहाँ है? मणिपुर चक्र का स्थान हमारे नाभि के पास है। नाभि में एक शास्त्र कहता है कि वहाँ श्रीहरि विष्णु भी रहते हैं, क्योंकि वो पालन करते हैं समस्त सृष्टि का, और पेट भी हमारे शरीर का पालन करता है। तो जब पेट गड़बड़ होगा, जब हमारा उधर प्रक्रिया खराब होगी, तो निश्चित रूप से वह मणिपुर के खराब होने का संकेत देता है। ऐसे लोगों को लीवर के रोग होते हैं, अल्सर होते हैं, भयानक भयानक उधर की बीमारियां होती हैं, पैंक्रियाज खराब होता है, डायबिटीज होती है, ये जो इस तरह के उधर जन्य रोग हैं, ये संकेत देते हैं कि मणिपुर चक्र कहीं ना कहीं से आपका खराब है, पीड़ित है। अब एक लक्षण और होता है, मणिपुर चक्र जिसका खराब है उसके पास धन आता भी तो है तो रुक रुक के आता है। मतलब यदि लाभ की निरंतरता नहीं बनी हुई है, आर्थिक स्थिति में एक निरंतरता नहीं बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं इस बात का यह संकेत है कि आपका मणिपुर चक्र खराब है। और माता चंद्रघंटा मणिपुर चक्र को मजबूत करने के लिए परम उपयोगी हैं और तत्काल फलदायी भी हैं। इसलिए नवरात्र के तीसरे दिन मणिपुर चक्र को मजबूत करने के लिए माता चंद्रघंटा की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए, उनका ध्यान उनका स्मरण अवश्य करना चाहिए। तो दर्शकों, आप में से कोई दर्शक ऐसे हैं जिनको पेट संबंधी कोई रोग है या पेट संबंधी समस्या है या आपको डर लगता है, तो माँ के तीसरे स्वरूप की आराधना आपको इन तमाम कष्टों से मुक्ति दिला सकती है। पंडित जी, एक और खास बात जो आपसे जानना चाहूंगी कि कोई विशेष मंत्र होता है माँ की आराधना का, कि उस मंत्र के उच्चारण से माँ का आह्वान किया जाए? देखिए, किसी को बुलाने के लिए उसके नाम का ही उच्चारण किया जाता है। तो माँ का नाम है चंद्रघंटा, इसमें प्रणव ओम जोड़ लीजिए और पीछे नमस्कार का मंत्र नमः जोड़ लीजिए। और यदि आवाहन करना है तो आह्वयामी, स्थापना करना है तो स्थापयामी, और पूजा करना है तो पूजयामी। ये जो तीन क्रियाएं हैं, क्रिया में जो है आप जो है पीछे प्रयोग करके आप वो कार्य कर सकते हैं। ओम चंद्रघंटा दिव्यै नमः, ये प्रणाम करने का मंत्र है, यह जपनीय मंत्र है। इस मंत्र को आप रुद्राज की माला पे नवरात्र के तीसरे दिन जप करके माता के असीम अनन्य कृपा के पात्र बन सकते हैं। तो फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो बताएंगे आपको कि राशि अनुसार आप माँ चंद्रघंटा को क्या अर्पित कर सकते हैं, क्या प्रिय वस्तु हो सकती है जो आप अर्पित करेंगे तो माँ का संपूर्ण आशीर्वाद आपको मिलेगा, ये भी बताएंगे। बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए ब्रेक के बाद जानते हैं पंडित जी से कि राशि अनुसार माँ को तीसरे दिन चंद्रघंटा स्वरूप को आप क्या अर्पित कर सकते हैं, क्या अर्पित करने से माँ का संपूर्ण आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी, राशि अनुसार माँ को क्या अर्पित करें हमारे दर्शक, वो भी बताएं। जी बिल्कुल, नवरात्र के तीसरे दिन आप अपनी राशि अनुसार माता चंद्रघंटा को क्या समर्पित करें, इसे हम बता रहे हैं, इसे आप नोट कर लें और इसी क्रम में अपनी राशि अनुसार माता चंद्रघंटा को ये वस्तुएं समर्पित करें। निश्चित रूप से आपको माँ चंद्रघंटा की असीम कृपा की प्राप्ति होगी। सबसे पहली राशि मेष राशि, और मेष राशि है मंगल की। मंगल की एक राशि और होती है वृश्चिक, इसलिए मेष और वृश्चिक दोनों राशि के लोगों को बताता हूँ। मेष राशि और वृश्चिक राशि के लोग माता चंद्रघंटा को नारियल
लाल रंग की चुनरी में लपेट लेना है और इसे माता दुर्गा के मंदिर में या अपने घर में जो आपने कलश की स्थापना कर रखी है, ओम ह्रीं चंद्र घंटा दिव्यै नमः यह कहते हुए वह चुनरी समेत नारियल आपको समर्पित करना है, चढ़ाना है। ये उपाय करें, निश्चित रूप से माता चंद्रघंटा की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। अब बात करते हैं दूसरी राशि और सातवीं राशि, मतलब वृषभ और तुला राशि। वृषभ राशि तथा तुला राशि शुक्र की राशि है, इसलिए आप माता चंद्रघंटा को पेठे की मिठाई समर्पित करें। सफ़ेद रंग का होता है पेठा, पेठे की मिठाई माता चंद्रघंटा को समर्पित करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। नवरात्र के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की कृपा मिलेगी। अब बात करते हैं तीसरी राशि और छठी राशि, मतलब मिथुन और कन्या राशि। ये दोनों राशियां बुध की राशि हैं, तो कहीं ना कहीं बुध का रंग हरा है, तो आपको हरे रंग का वस्तु माता को समर्पित करना है। क्या चढ़ाएं आप माता चंद्रघंटा को नाशपाती का भोग लगाएं, नाशपाती चढ़ाएं और अनन्य असीम कृपा के पात्र बने माता चंद्रघंटा के। अब बात करते हैं चौथी राशि, चौथी राशि मतलब कर्क राशि। कर्क राशि किसकी है? चंद्रमा की। और चंद्रमा सबसे ज़्यादा कहाँ असर दिखाता है? जल के ऊपर। 70% इस धरती पर जल है और जल किसके अधीन है? चंद्रमा के। तो जल आप माता को सुगंधित जल से स्नान कराइए माता चंद्रघंटा को। यदि आपने पीठ की स्थापना की है तो पुष्प से आप जो है स्नान कराइए। उसके पश्चात माता को सफ़ेद रंग के फूलों की माला अर्पित करिए, इसके साथ साथ कपूर से आरती करें। अब बात करते हैं पांचवी राशि, सिंह राशि। सिंह राशि अर्थात सूर्य की राशि और सूर्य ग्रहों का राजा है, इसलिए विशेष रूप से जिनकी राशि सूर्य है वो तीसरे दिन की देवी माता चंद्रघंटा की पूजा करें। वो माता को लाल रंग के गुड़हल के फूल समर्पित करें, उनको भावपूर्वक गुड़हल के फूल श्री चरणों में चढ़ाएं। इसके अलावा मालपुए का भोग भी आप चढ़ा सकते हैं माता चंद्रघंटा को, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं नवमी राशि, धनु राशि। धनु तथा मीन ये दो राशियाँ ऐसी हैं जो देवगुरु बृहस्पति की राशियाँ हैं। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं, सुख के देवता हैं, और यदि नवरात्र के तीसरे दिन विधि विधान से माता चंद्रघंटा की पूजा कर ली जाए तो ये मेरा पूरा दावा है कि देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में सुख व शांति की बरसात कर देंगे। तो नवरात्र के इस तीसरे दिन का लाभ उठाइए और माता चंद्रघंटा को खोए की मिठाई समर्पित कर दीजिए, उनके श्री चरणों में नैवेद्य के रूप में चढ़ा दीजिए। इसके साथ साथ केले का भी भोग आप लगा सकते हैं माता चंद्रघंटा को। धनु और मीन राशि वाले यदि ये दो उपाय करें तो निश्चित रूप से उनका जीवन चमक उठेगा, उनके जीवन में खुशियाँ अवश्य आएंगी। अब बात करते हैं मकर राशि तथा कुंभ राशि। ये दो राशियाँ शनि महाराज की राशियाँ हैं और शनि की क्या जिम्मेवारी है? संसार को दुख देने की, कष्ट देने की, कहीं ना कहीं न्याय देने की। अब ऐसे में शनि को प्रसन्न करने के लिए माता चंद्रघंटा की पूजा परमावश्यक हो जाती है। नवरात्र के तीसरे दिन मकर व कुंभ राशि के लोग माता चंद्रघंटा को काले रंग की गुलाब जामुन का भोग लगा सकते हैं। इसके साथ साथ कांसे के बर्तन में आप जो है शहद भर करके माता को समर्पित कर सकते हैं। कांसे के पात्र में रखा हुआ शहद माता को भोग के रूप में अति प्रिय है, ये समर्पित करें मकर व कुंभ राशि के लोग, निश्चित रूप से माता चंद्रघंटा आपसे प्रसन्न होगी और आपके ऊपर अपनी कृपा सदैव आज जन्म बनाए रखेगी। जो वस्तुएं मैंने 12 राशियों के अनुसार अलग अलग लोगों को बताई हैं, ये वस्तुएं माता को यदि आप समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तो आप यकीन जानिए नवरात्र के इस तीसरे दिन आप माता के एक तो अनन्य कृपा के पात्र बनेंगे, इसके साथ साथ आपके मन का विकार भी दूर हो जाएगा। एक बात और, माता चंद्रघंटा का मुख्य काम है लोगों को भय रहित करना, भय मुक्त करना और संसार से समस्त दुखों का अंत करना, क्योंकि जब वो घंट ध्वनि करते हैं तो जो बुरी शक्तियाँ हैं वो आपके पास से, आपके घर से दूर चली जाती हैं और आपके जीवन में सुख का प्रवेश होता है, शांति का प्रवेश होता है, इसके साथ साथ आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। इसलिए माता चंद्रघंटा की पूजा करें, आराधना करें और नवरात्र के इस तीसरे दिन का संपूर्ण लाभ उठाएं ताकि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, आपके परिवार में, आपके घर में कभी किसी प्रकार का उपद्रव अशांति ना आए और जीवन के पथ पर आप सदैव निरंतर आगे बढ़ते रहें।
तो राशि अनुसार आपको क्या अर्पित करना है माँ के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा को, ये भी पंडित जी ने आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि माँ के तीसरे स्वरूप को आप ये तमाम चीजें अर्पित करके उनका संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि हमारे स्टूडियो में आकर आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे और बात करेंगे माँ के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा के बारे में, बताएंगे माँ के स्वरूप की महिमा, साथ ही बताएंगे कि राशि अनुसार आप माँ को क्या अर्पित कर सकते हैं। लेकिन आज के लिए दीजिए इजाजत, जय माता की, जय माता की।